अब मैं आपका दिमाग रीड करूंगा और मैं दिमाग रीड करूंगा एक पॉपुलर म्यूजिशियन स्टाइल में, जिसे धुएं को मैं अपने ऊपर ले लें और पता करें कि कौन सा सॉन्ग है। स्लो बीट है तो स्लोली सोचें, फास्ट बीट है तो फास्ट सोचें, उसको अपने गले पे लेके आए उस सॉन्ग को, लेकिन बाहर ना निकालें। लेट मी डू माई प्रिडिक्शन, आई एम ओपनिंग यूट्यूब, आई कैन इंक्रीज द वॉल्यूम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। दोस्तों मेरा नाम है स्टूडेंट नेम, मेरे साथ आस्था, और आज आप सभी की पॉपुलर डिमांड में जो ट्रिक मैं लेके आया हूँ माइंड रीडिंग की, वो है माइंड रीडिंग एनी सॉन्ग वाली ट्रिक। तो आस्था, आज आपका जो माइंड रीड है उसको करके कोई सॉन्ग पता करने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी सॉन्ग सोचे अपने दिमाग में, थोड़ा पॉपुलर सॉन्ग सोचिएगा, डोंट थिंक ऑफ अ वेरी यू नो ऐसा सॉन्ग जो कोई गैस ही ना कर पाए, राइट। और उस सॉन्ग को अपने दिमाग में आपको प्ले करना है बार बार, राइट। और एक काम करिए, यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं, राइट, तो जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी माइंड में चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक आपको पेपर दिया हुआ है, इस पेपर पे आप इस पेंसिल से उस सॉन्ग का नाम लिखते हैं, ठीक है? मैं नहीं देखूंगा, मैं अपनी पीठ करूंगा, आपको नाम लिखना है, ठीक है? कैमरे में एक बार दिखा देना है नाम, ठीक है? इस पेपर को अच्छे से फोल्ड कर देना है, काफी सारे फोल्ड हो सकते हैं इस पेपर में, ठीक है? और उसके बाद फिर हम मैजिक आगे बढ़ाएंगे। ओके, हो गया। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, आई हैव अ वेरी स्पेशल थिंग हियर, आई हैव अ प्लेट हियर, राइट, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं एक मैच बॉक्स भी ढूंढ रहा हूँ, सो वी आर गोइंग टू बर्न दिस बिलेट। ओके, सो कैन यू प्लीज होल्ड इट एंड बर्न इट, एंड मीन वाइल व्हाट आई विल डू, आई विल गेट माय फोन, मेरा फोन उधर रखा हुआ है, मैं लेके आता हूँ, आप इस बिलेट को जला दीजिए अच्छे से। अच्छा, जला दो यहाँ पे। Are you sure? Yeah, yeah. अच्छे से चला दीजिए। If you want, I can help you. Okay. हाथ बचा के। हाँ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अच्छे से चलने दो। हाँ। Right. We'll just burn it fully. Okay. जलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो फ्यूम है ना, उससे जो निकल के आ रहा है वो मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है पता करने के लिए कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है सॉन्ग, राइट। सो आई कैन एक्चुअली सी इट इन द फ्यूम्स व्हाट सॉन्ग यू हैव सिलेक्टेड। ओके, आर यू एबल टू सी? नो, ऐसे ऐसे ही बन रहा है यहाँ पर सब जगह, लेकिन सॉन्ग भी ऐसे ही है लग रहा है। ठीक है, वो पता लगाएंगे हम। लेट मी फर्स्ट बर्न इट फुल्ली। आई थिंक ये अच्छा खासा जल चुका है। ऑलराइट, ओके, मेरे धुएं को जो है अपने ऊपर ले लें और पता करें कि कौन सा सॉन्ग है। ऑलराइट, स्वास्थ्य, अभी तक हमने क्या करा है, हमने एक सॉन्ग के बारे में सोचा, उस सॉन्ग को हमने इस पेपर में इंग्रेव किया था, इस पेपर को आपने अच्छे से फोल्ड किया और फोल्ड करके जला दिया। हाँ। मैंने इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी देखा है क्या है। हाँ। मुझे दिख भी नहीं सकता था। हाँ। राइट, अब क्या करेंगे, अब एक स्पेशल चीज करेंगे, अब मैं आपका दिमाग रीड करूंगा और मैं दिमाग रीड करूंगा एक पॉपुलर मैजिशियन स्टाइल में। अच्छा, तो एक बार पॉपुलर मैजिशियन, उन्होंने एक ट्रिक करी थी। हाँ। जहाँ पर उन्होंने अपने फोन पे एक सॉन्ग प्ले किया था। तो मैं भी एक काम करूंगा, मैं भी आपका माइंड रीड करूंगा और यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करूंगा और वॉल्यूम मैं अभी बिल्कुल डाउन कर दे रहा हूँ फोन की, ताकि okay. आपको ना पता चले कि मैं कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। okay. ठीक है, उसके बाद हम मैजिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जिस सॉन्ग के बारे में सोचा था, मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ गया, इसकी फ्यूम से मुझे अंदाजा आ चुका है। okay. कि आपने कौन सा सॉन्ग सोचा हुआ था, राइट। बट नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट सॉन्ग। ओके,
उसकी बीट के हिसाब से सोचें, अगर स्लो बीट है तो स्लोली सोचें, फास्ट बीट है तो फास्ट सोचें, उसको अपने गले पे लेके आए उस सॉन्ग को, लेकिन बाहर ना निकालें, राइट, बीट्स में फोकस करें, स्लो है तो स्लो, फास्ट है तो फास्ट, कर लिया, ओके, सो लेट मी डू माय प्रेडिक्शन, आई एम ओपनिंग यूट्यूब, ओके, मेरा YouTube जो है वो खुल चुका है, दिखा दूं, YouTube ही खुला हुआ है, राइट, और इसमें मैंने एक सॉन्ग प्ले कर दिया, राइट, अभी म्यूट में प्ले हो रहा है, ओके, सो नाउ आई हैव डन माय प्रेडिक्शन ऑन दिस फोन, राइट. Now I want you to tell me what song you were thinking about. Gangnam Style. Gangnam Style. Huh. And do you want to know what song I was playing? I can increase the volume. How did you do that? Yes, I'm playing Gangnam Style on my phone. I don't know if I can play the music. I'll have to check कि अगर कुछ copyright का issue आ रहा होगा तो मैं music को जो है mute कर दूंगा, but आप essentially समझ चुके हैं कि यहाँ पर गंगम style ही play हो रहा था. Now if you want to learn this magic, आपको सीखना है और इसको अपने routines में include करना है, तो आप मेरे membership area में आ सकते हैं और वहाँ पर आके इसको सीख सकते हैं. मेंबरशिप एरिया में अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो शायद आपको एक ही टीयर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप मेंबरशिप एरिया को कुछ टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद आपको मल्टीपल टीयर्स मिलेंगे. तो आपको ये ज़रूर देख लेना है कि किस टीयर में आपको ये वीडियो मिलने वाला है. अगर आप इस वीडियो के ट्यूटोरियल पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको क्लिक करके वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टीयर में इसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है. दोस्तों मेंबरशिप एरिया में इस वीडियो के अलावा कई सारे और जो वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर हमने बड़े बड़े मैजिशियंस के कई बड़े बड़े सीक्रेट्स को रिवील करा हुआ है, आपको सिखाया हुआ है. आई थिंक सुहानिशा का कुछ रूटीन्स हैं, संदीप माहेश्वरी का भी एक रूटीन है, पीसी सरकार के कुछ रूटीन है, इंटरनेशनल मैजिशियंस के कुछ बड़े बड़े रूटीन हैं. अगर आप उस मैजिक को सीखना चाहते हैं, अगर आप कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान बनना चाहते हैं, तो ज़रूर वहाँ पर आइए और उन मैजिक ट्रिक्स को सीखिए. चलिए फिर मिलते हैं.